हाउ आर यू? टुडे विल स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट लास्ट एक्सरसाइज 1.6। ये हमारी एक चैप्टर फर्स्ट की लास्ट एक्सरसाइज है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.6। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताऊंगा, वो आपको 1.6 में यूज़ होंगी। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स प्लस वाई। मतलब अगर किसी नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है तो अगर आधार समान हो, ये इसको बोलते हैं बेस, क्या बोलेंगे बेस, ठीक है। अगर ये समान हो तो इसकी जो पावर होगी ये वाली पावर, ये दोनों जुट जाएगी, तो इसका फॉर्मूला होगा ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई। तो क्या होगा, ए की पावर एक्स प्लस वाई दोनों को जुट जाएगी। सेकेंड, ए की पावर एक्स डिवाइड बाय ए की पावर वाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, डिवाइड में दोनों पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब थर्ड, ए की पावर एक्स और पूरे की पावर वाई, मतलब यहाँ पावर की पावर है, ये क्या हो जाएगी, ए की पावर एक्स इंटू वाई, मतलब दोनों पावर का क्या हो जाएगा, अगर किसी भी के नंबर्स की पावर हो तो पावर दोनों को पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फोर्थ है, ए की पावर ज़ीरो, यदि किसी भी नंबर्स का पावर का मान ज़ीरो हो तो उसका मान क्या होगा, वन होगा, कितना होगा, वन। अब देखिए यहाँ पर हमने एक्स वाई यूज़ कर रखे, तो हो सकता है ये इस प्रकार भी हो सकता है, एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन, या तो इसको इस फॉर्मूले को इस रूप में लिखो या फिर इस रूप में लिखो, बात दोनों एक ही है, एक्स की पावर एम इंटू एन, ये इस प्रकार से भी हो सकता है, इस एक्स की पावर एम डिवाइड बाई एक्स की पावर एन क्या होगा, एक्स की पावर एम माइनस एन, या फिर एक्स की पावर एम पूरे की पावर एन क्या होगा, एक्स की पावर एम इंटू एन, ठीक है। और अगर पूरे की पावर अगर एक्स ज़ीरो हो तो उसका मान कितना होगा, वन होगा। देखिए फिलहाल जो आपको यूज़ होगा इस फॉर्मूला का यूज़ होगा, इन फॉर्मूलों का यूज़ करते हुए हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 को स्टार्ट करते हैं। 1.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 64 की पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 1/2 इसको क्या करना है, हटाना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, अपन सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, सॉल्व कितना है, 64 की पावर 1/2। अब देखो 64 को हम क्या लिख देते, इसका अपन एलसीएम लेके देखते हैं, 64 टू टू थ्री ज़ा सिक्स, टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, वन बचेगा, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टू एट ज़ा सिक्सटीन, टू फोर ज़ा एट, टू टू ज़ा फोर और टू वन ज़ा टू। देखिए टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो हमें यहाँ पर इस नंबर को इस प्रकार लिखना है कि यहाँ से टू हट जाए। देखिए हम इसको ये लिख सकते हैं इसकी जगह इसके ज़रिए कि एट की पावर टू, कि एट का पावर टू, यानी कि एट को अगर हम टू बार डिवाइड करते हैं, एट इंटू एट, तो 64 आ जाएगा, 64 हमारे पास आ जाएगा। तो हम एट की पावर टू और ये जो पूरे की पावर है 1/2 ए जीटीस, ठीक है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर पूरे पावर के ऊपर पावर हो तो हम उसको किस प्रकार लिख सकते हैं, एट इंटू टू इंटू ये टू ये वाला और 1/2। फॉर्मूला क्या था, चूँकि एक्स की पावर एम और पूरे की पावर एन हो तो क्या हो गया फॉर्मूला, एक्स इंटू एम इंटू एन, दोनों फॉर्मूला गुणा हो जाएगा, तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया, देखो दो से ये तो कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा एट की पावर वन, एट की पावर वन, यानी कि आपका आंसर क्या आया, एट आया, तो ये आपका आंसर।
सेकेंड क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5। तो ये सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व 32 की पावर 1/5, मतलब इस 32 को 5 ऐसे नंबर 5 टाइम डिवाइड करना है, मतलब 5 भागों में डिवाइड करना है ताकि ये हट जाए। तो हम इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 2 की पावर 5 देखिए 32, जिस प्रकार से हमने इसको लिखा था उसी प्रकार से हम इसको भी लिखेंगे। 2 × 2 = 2 × 2 = 16, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 और 16 × 2 = 32। मतलब हम 2 को कर सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और ये जो 1/5 8 लिख देंगे। अब फिर हम इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, 2 की पावर 5 × 1/5, ये 5 से 5 कट जाएगा, 2 की एक्स की पावर एम और पूरे की पावर एन इक्वल टू क्या आएगा, एक्स की पावर एम इंटू एन, 5 से 5 कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1/25 की पावर 1/3, तो 120 को कर सकते हैं 5 की पावर 3, 5 × 5 = 25, और 25 में अगर फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम हमारे पास 125 आ जाएगा। तो 5 की पावर 1/3, और इसी को क्वेश्चन जो थर्ड है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, सेम इसी प्रकार से करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करना है। सॉल्व का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 9 की पावर 3/2, जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था सेम उसी प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करते हैं हम सॉल्व, 9 की पावर 3/2। अब 9 को कर सकते हैं हम 3 की पावर 2, क्योंकि 3 × 3 = 3 करते हैं, तो 3 × 3 = 9 आ जाएगा हमारे पास, और पावर क्या है इसकी 3/2। अब 3 × 3/2 फॉर्मूला क्या है अपने पास, एक्स की पावर एम और पूरे की पावर एन क्या होता है, एक्स की पावर एम इंटू एन, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या है 3 की पावर 3। हमने जो पिछले क्वेश्चन किए थे वहाँ पर ये कंप्लीट हो गया था, लेकिन यहाँ पर 3 की पावर 3 है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27, तो ये 27 आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 32 की पावर 2/5। देखिए हमने इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 32 को सॉल्व किया था, 32 को क्या लिखा था 2 की पावर 5, तो हम यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे, 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 32 की पावर 2/5, तो सॉल्व करते हैं अपन, तो 2 की पावर 5 और पूरे की पावर देखें 2/5, तो 2 की पावर 5 × 2/5। फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे अपन, क्या यूज़ करेंगे, 2 की x की पावर m × पूरे की पावर n = x की पावर m × n, इस फॉर्मूला के जरिए 5 से 5 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2 की पावर 2, यानी कि आप क्या लिख सकते हो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2, यानी कि 2 × 2 = 4, तो ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर
थर्ड आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ बुलाता हूँ, 125 की पावर 1/3 माइनस का है वो भी, 125 की पावर माइनस 1/3। अब इसको ओपन करते हैं सॉल्व, तो 125 को ले सकते हो 5 की पावर 3, क्योंकि 5 5 25 और 25 को 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, और पूरे की पावर कितना है माइनस 1/3। सेकेंड स्टेप में 5 की पावर 3 इंटू माइनस 1/3, फार्मूला क्या है वही वाला अपन जो यूज़ कर रहे थे अभी तक, चूँकि एक्स की पावर एम पूरे की पावर एन इक्वल टू एक्स की पावर एम इंटू एन। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 5 की पावर माइनस एम। देखिए 5 की पावर माइनस एम आया तो कोई भी जो सॉल्व करेंगे वो माइनस में नहीं आना चाहिए, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1/5। एक फार्मूला यूज़ होगा इसमें ये वाला, अगर किसी की पावर अगर माइनस में हो, जैसे ए की पावर माइनस वन होता है, तो हम इसको अगर फ्रैक्शंस के रूप में लिखते हैं 1/a। अगर किसी नंबर के ऊपर पावर होती है तो हम इस पूरे नंबर को फ्रैक्शन में रूप देंगे, अगर यहाँ माइनस होगा यहाँ पर तो हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का, अगर ऊपर फ्रैक्शन में नहीं है तो हम उसको फ्रैक्शन बनाते हैं तो हो जाएगा प्लस का। तो आपका क्या था 5 की पावर माइनस 1, तो हम लिख दिया 1/5, जो ये पावर थी वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो 1/5 आपका आंसर आता है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। नंबर थर्ड है हमारा 2 की पावर 2/3.2 की पावर 1/5। हम इसी क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 2/3 2 की पावर 1/5। देखिए ये का बेस है, अगर बेस समान है तो क्या होगी पावर क्या होगी ऐड हो जाएगी। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, अगर बेस सेम है तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाएगी, किस फॉर्मूले से, चूँकि एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन इक्वल टू एक्स की पावर एम प्लस एन, ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम इसको पावर को ऐड कर लेंगे। तो देखिए अब 2/3 प्लस 1/5 इन दोनों को ऐड करना है, तो इसके जो पहले क्वेश्चन हमने जो किए थे क्वेश्चंस उसमें मैंने कोई भी अगर फ्रैक्शंस के रूप में नंबर्स हो उसको ऐड किस प्रकार से करते हैं, ऐड करने के लिए हम उसका एलसीएम लेते हैं 5 और 3 का, 2/3 प्लस 1/5। अब देखिए 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 15 आता है, 3 और 5 को हम डिवाइड करेंगे, 3 का 5 में डिवाइड 15 में डिवाइड हो कितना आएगा 5 आएगा, और जो आंसर है 5 उसका मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो कितना आएगा 5 2 ज़ा 10, 5 का डिवाइड 15 में करेंगे 5 3 ज़ा 15 3 आया, उसको हम ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, कितना हुआ 13/15। तो 2 की पावर कितना आया 13/15, तो यही आपका आंसर आ गया। अब बात कर दे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 1/3 की पावर 3 और पूरे की पावर 7। सॉल्व करते हैं हम इसको इस रूप में देखते हैं, यहाँ पावर कुछ नहीं है मतलब 1 होती है, अगर 1 को कितनी पावर कितने भी पावर मिलते हैं उसका आंसर 1 ही आता है। अब 3 की पावर 3 मतलब ये पावर की भी क्या है पावर है, देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/7/3 की पावर 3 × 7। अब देखिए 1/7 करेंगे तो 1 ही आएगा आंसर। ठीक है, अब 3 की पावर 3 और इंटू 7 तो 7 की करेंगे 3 मल्टीप्लाई 7 3 ज़ा 21, कितना आएगा 21। किस फॉर्मूले से किया हमने, a की पावर m और पूरे की पावर n, क्या होगा a की पावर m इंटू n, इस फॉर्मूले का यूज़ किया हमने,
ठीक है। अब देखिए वन की पावर सेवन, वन में कितने बार मल्टीप्लाई करते हैं, वन ही आएगा, और यहाँ थ्री की पावर थ्री इंटू सेवन, तो सेवन थ्री सा 21, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, वन अपॉन थ्री की पावर 21। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला यूज कर किया था इसके पहले वाले में, अगर कोई भी अगर बर्थडे में हो और उसकी खास पॉजिटिव, और उसको इस प्रकार लिखते हैं हम थ्री की पावर 21, तो प्लस है तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। कौन सा फॉर्मूले के जरिए, ए की एक्स की पावर अगर माइनस है तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी। यही हमने यूज़ किया कि अगर एक ही बार प्लस है तो उसको ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, डिवाइड का है, ये क्या है डिवाइड है, तो डिवाइड करने पर पावर क्या होगी, माइनस होगी। तो हमें सिर्फ यहाँ पर दोनों पावर क्या आएगा, यहाँ पर हमने प्लस करी थी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने प्लस करा था, क्वेश्चन नंबर थर्ड में सिर्फ आपको माइनस करना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ, हमारा फोर्थ है सेवन की पावर वन अपॉइंट टू माइन इंटू एट की पावर वन अपॉइंट टू। देखिए यहाँ पर अगर आधार जो बेस है वो अलग डिफरेंस है और जो पावर से वो सेम है, ठीक है। देखिए फोर्थ, सेवन की पावर वन अपॉन टू, एट की पावर वन अपॉन टू, देखिए हम इसको लिख सकते हैं सेवन की पावर वन अपॉन टू इंटू एट की पावर वन अपॉन टू, तो एट सेवन ज़ा 56, और जो पावर है वह सेम है, इसलिए हम इसको इसी प्रकार से लेते हैं। तो बस यही आपका आंसर रहेगा, यही आपका आंसर, सिर्फ आपको जो मल्टीप्लाई है वो करना है और जो बेस आधार है वो सेम है, तो हम इसको दोनों मिला के एक पावर लिख देंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आपके लिए होमवर्क था। तो थैंक यू बच्चों, आज ही हमारे एक चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम अपने नए अगले वीडियो में हमने नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।